मैनोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करता है, लेकिन किसका? गैस का, गैसेस का प्रेशर मेजर करता है। जैसे आपका ये कंटेनर है, इसमें गैस है, बहुत प्रेशर है, तो यहाँ पर गैस है, प्रेशर है, और यहाँ मरकरी डाल दी जाती है। फिर से एक बार, गैस का प्रेशर बहुत बढ़ता है, गैस क्या करती है, इस मरकरी को पुश करती है और मरकरी ऊपर उड़ जाती है। अब सोचो जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा, मरकरी उतनी ही हाइट अटेन कर जाएगी, उतनी ऊपर उड़ जाएगी। कम प्रेशर है, मरकरी प्रेशर है ही नहीं, तो मरकरी इन लेवल हो जाएगी। तो इस टाइम गैस का काफ़ी प्रेशर है, तो गैस का प्रेशर है, और मान लो इतना प्रेशर है कि मरकरी ने यहाँ एच हाइट अटेन कर ली। ठीक है, यहाँ तक एच हाइट अटेन कर ली, एच हाइट अटेन कर ली। अब मेरे को क्या करना है, मुझे गैस का प्रेशर निकालना है। तो तुम्हारी मरकरी यहाँ, गैस ही गैस है, तुम्हारी मरकरी यहाँ से स्टार्ट है, तो तुम यहाँ एक लाइन खींच लेना, और जब तुम वो ट्यूब, ये ट्यूब वाला क्वेश्चन हो गया, एच रो जी इक्वेट करने वाला क्वेश्चन, तुम इन हाइट्स को मत लेना, क्योंकि यहाँ एच रो जी आपस में क्या कर जाएगा, कैंसल, मत लेना। तो तुम एक काम करना, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, तो ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट के प्रेशर को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे? प्रेशर एट ए पॉइंट एंड प्रेशर एट बी पॉइंट को इक्वल कर दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है, ए और बी का प्रेशर सेम है, मरकरी ने उठना बंद कर दिया। बोलो ए पॉइंट का प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर ऑफ गैस। ए पॉइंट का प्रेशर क्या आएगा? गैस, क्योंकि ए पॉइंट पर प्रेशर कौन लगा रहा है? गैस। बी पॉइंट पर प्रेशर क्या आएगा? पी एटमोस्फेयर, क्योंकि ऊपर ओपन टू एटमोस्फेयर है, प्लस एच रो जी। तो एच तो आप मरकरी के निकाल ही लेंगे, गैस का प्रेशर आ जाएगा। तो गैस का प्रेशर क्या आएगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे गैस के प्रेशर निकालते हैं? तो क्या किया हमने, यहां और यहां का प्रेशर इक्वेट कर दिया, यहां का प्रेशर गैस का प्रेशर है बस, यहां का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी है। तो ये देख रहे हैं, इन्हें इक्वेट कर दिया तो प्रेशर ऑफ गैस आ गया, और प्रेशर ऑफ गैस में से एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर माइनस कर दें, इनके डिफरेंस को गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो पेपर में आ सकता है फाइंड गॉज प्रेशर, तो गैस का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर एच रो जी से आंसर आएगा। मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैनोमीटर का बड़ा फेमस न्यूमेरिकल है ये वाला, तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस टाइप का आ जाएगा, बात ही खत्म। क्या यहां गैस है, यहां ऑयल है, दो दो मिक्सचर है, दोनों के दोनों प्रेशर लगा रहे हैं। देखो पाइप के अंदर ऑयल घुस गया, पाइप के अंदर देख रहे हो यहां पर, और फिर मरकरी है, और ये थोड़ी देर में इन हाइट्स पे अटेन हो गया और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। कह रहे हैं बताओ गैस का प्रेशर कितना, ही क्वेश्चन है। इस डायग्राम को देखते हुए गैस का प्रेशर निकालना है क्या होगा, ये क्वेश्चन है। चलो गैस का प्रेशर निकालते हैं। पहले मरकरी यहां पे स्टार्ट हुई, लाइन खींच ली, इनके नीचे के लीक कोड को नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे, ए और बी, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी कर देंगे। कर दिया, ए का प्रेशर बोलो क्या होगा, ए का कौन लगाएगा ए पे प्रेशर, ऑयल की गैस? दोनों, क्योंकि गैस ऑयल को दबाएगी, ऑयल आगे मरकरी को दबाएगा, तो एक्चुअल में यहां का प्रेशर ऑयल और गैस का दोनों प्रेशर है। ऑयल का प्रेशर कैसे निकलेगा, वर्टिकल हाइट देखो, प्रेशर टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब नहीं देखता, वर्टिकल हाइट कितनी है इसकी, 1 प्लस 1.5, कितना, 2.5 इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी, प्लस कौन सा प्रेशर है यहां पर, गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच रो जी ऑफ ऑयल, ए पॉइंट का प्रेशर आ गया इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर, बोलो ये रहा। मरकरी की हाइट कितनी दिख रही है, 1.5 प्लस 0.75, तो 0.75 इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू जी। आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ गैस का प्रेशर निकालना है, निकाल लेना, आंसर हो गया, मैनोमीटर क्लोज। कुछ करना ही नहीं है मैनोमीटर में।